हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज विशाल। सो आज के वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कुछ लेवल्स के ऊपर, जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ हुए हैं। आपको पता है, अगर आप मार्केट में मंडे ट्यूसडे ट्रेड किए होंगे तो मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए थे फ्राइडे को। अगर उन्होंने कॉल बाय किया होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा उनको। जो कॉल बाय करके होल्ड कर लिया होगा उनको, सॉरी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरे अंदर देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग अटैच है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे आपको मार्केट को देखना है, किस नज़र से देखना है। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी लेवल पे आप बाई कर ले रहे हो, होल्ड कर ले रहे हो, तो दिस इज़ गना बी रियली बैड फॉर यू। आपका मैक्सिमम टाइम क्या होगा, लॉस होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के लेवल्स दूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो आप इनिशिएट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ओके, आप अपने तरीके से भी ये मार्केट एनालिसिस खुद से कीजिए, चार्ट पे टाइम बिताइए, तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पे मार्केट में ग्रो कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो, निफ्टी का ये वन टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं वन डे लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। वन डे में देखो अगर निफ्टी को, लेट मी शो यू निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ से देखो मार्केट में जब एक हाई लगा था ना, अराउंड 15,963 या 60 रुपये का हाई, वहाँ से मार्केट एक देखो तो एक, यहाँ से अगर देखो नॉर्मल अगर कोई बंदा खरीदता है अपसाइड मोमेंटम, तो उसको क्या लगा होगा, जो नॉर्मल बंदा होगा यहाँ पे लगा होगा कि हाँ अच्छा एक पुल बैक है, नीचे से एक रिजेक्शन भी मिल रहा है कैंडल में। देख रहे हो एक कैंडल पे रिजेक्शन भी, यहाँ पे लोअर साइड से एक बाइंग प्रेशर है। यहाँ से देखा होगा उन्होंने कि अरे यार मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट है एंड मार्केट क्लोजिंग भी दे दिया बढ़िया। यहाँ पे एक हेवी क्वान्टिटी में जिन्होंने भी बाई किया होगा लास्ट डे में, जब SGX निफ्टी उसके बाद परफॉर्मेंस दिखाया जो कि डिसाइडेड नहीं था कि ऊपर जाएगा, फिर से नीचे मार्केट आया एंड ऑलमोस्ट। अब देखो ना मार्केट स्ट्रक्चर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। अगर अब मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट फिर से एक बढ़िया सपोर्ट लेवल पे है ना। ये सपोर्ट लेवल प्रीवियस सपोर्ट में प्रीवियस टाइम भी वर्क किया था एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी भी वर्क कर सकता है। ओके, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं वन आर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ एंड लेट मी रिफ्रेश इट। यहाँ पर देखो कि मार्केट में जब फॉल आया था अराउंड, ये भी एक हाई था राइट, मार्केट में देखो गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये टाइम पे मार्केट एक हाई पे था 15,889 रुपये अप्रॉक्स। यहाँ से जब मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, एक गैप डाउन हुआ, यहाँ से एक गैप फिल हो गया एंड एक बहुत अच्छा फॉल आया था। बहुत अच्छा फॉल आने के बाद देखो यहाँ पे एक लोअर साइड बाइंग मिला, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है ना, रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है आपको लोअर साइड से, ये भी एक बढ़िया कैंडल। तो यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर कैसा फॉर्मेशन हुआ कि मार्केट के हम लोग बॉटम पे हैं राइट, मार्केट के बॉटम पे है। यहाँ से थोड़ा अगर, सॉरी अगर मैं स्क्रीन गंदा कर रहा हूँ, तो मार्केट बॉटम पे है, फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आप मार्केट के अप पे हो या डाउन पे हो एंड किस तरीके के कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, कैंडल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रस्ट मी। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए एंड उसके बाद ही आप अगर कॉल को बाय करके होल्ड करते हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने भी मैक्सिमम टाइम लॉस किए हैं, जो भी मेरा सिनेरियोज रहा है, मैंने कॉल जब भी बाय करके होल्ड किया है ना, मतलब 10 में से 4-5 बार मेरा लॉस हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपको बाई करके अगर फिर भी आप होल्ड करना चाहते हो गैप अप ओपनिंग के लिए, BTST ट्रेड लेना चाहते हो, बाई टुडे सेल टुमारो, तो आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर के लोअर साइड पे होना बनता है ना। एंड एक अपसाइड मोमेंटम अगर दिख रहा है तो ही मैं होल्ड करूंगा, नहीं तो नहीं होल्ड करूंगा, है ना। तो इस चीज़ को अगर देखो तो अभी निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी भी अगर देखो तो ये जो सपोर्ट है, ये इसको भी एक सपोर्ट मानते, ये लेवल अराउंड इस पॉइंट से एक रिजेक्शन मिला था निफ्टी को, लेट मी शो यू, इस पॉइंट से एक रिजेक्शन मिला था एंड यहाँ से मैं गैप अप ओपनिंग हुआ था, फिर से एक यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम भी दिखाया है। यहाँ पे ये जो कैंडल दिखता है ना, बाइंग कैंडल, बाइंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ बायर्स यहाँ पे है, डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक मार्केट में पुल बैक आएगा। तो अब आपको कैसे रिएक्ट करना है मैं वो डिस्कस करता हूँ, है ना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप पूरे अंत तक देखिए, मैं और भी सारी चीज़ें और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स देने वाला हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइज, ये जो लेवल्स है ना, इस लेवल्स में क्या देख रहा है आपको, एक मार्केट में फॉल आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो फिर से अब बैक जाओगे, बैक डाटा देखोगे, हाँ यहाँ पे लास्ट बार भी मार्केट सपोर्ट ले चुका है एक अच्छा लेवल पे, मार्केट नीचे लेवल पे मिल रहा है, कम दाम में मार्केट मिल रहा है, कम दाम में मतलब लोअर लेवल पे प्राइस अभी कम है, चल रहा है भाई, ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हो, तो अगर देखो तो सिनेरियो एक डबल बॉटम भी बन सकता है,
जो कि कल होने वाला है ऑलमोस्ट अराउंड एक्सपायरी। इस बार तो वेंसडे को आज छुट्टी है बिकॉज ऑफ ईद। एंड यहाँ पे देखो तो उस दिन आपको कैसे रिएक्ट करना है एक्सपायरी के दिन। यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम बनाता है अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो। ये सारी चीज़ें आपको यार रैंडम होना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा, है ना। मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पर बता दिया कि मार्केट इधर ओपन हो रहा है, एक डबल बॉटम बनेगा, एक अपसाइड मोमेंटम आता है, तो ये जो है ना ये नो ट्रेडिंग जोन है आपके लिए, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम दिखा के फर्स्ट पुल बैक पे आप बाई करोगे एंड इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा इसी पॉइंट के नीचे, यहाँ पे बाय है अराउंड 1:2 का स्टॉप लॉस लगाओगे, टारगेट यहाँ तक का भी ले सकते हो आने वाले दिनों में, है ना, क्योंकि कंफर्म हो गया मार्केट कि यहाँ से एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है। तो ये आने वाले दिनों में आप एक अपसाइड मोमेंटम देखोगे निफ्टी में और ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये है बाइंग साइड का सिनेरियो, आपका नो ट्रेडिंग जोन भी मैंने बना दिया। एंड यार नीचे की तरफ थोड़ा मैं ये गंदा कर दिया स्क्रीन, देखो नीचे की तरफ मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ना, इसको ब्रेक करके फर्स्ट पुल बैक आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड इस लेवल का, फर्स्ट टारगेट आप बनाना 15,498 रुपये का। एंड इसको भी ब्रेक करता है बट वो होने वाला नहीं है मे बी, बट ये ब्रेक होगा तो ही आप सेल कीजिएगा, राइट। एंड छोटे टारगेट के लिए फिर से आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। ये रहा निफ्टी गाइज और बैंक निफ्टी अब मैं बताऊँ, ठीक है। तो निफ्टी में फिर से मैं आता हूँ यार, देखो आपको ना मार्केट यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक चीज़ मैं और समझाता हूँ, अगर वीडियो बना ही रहा हूँ तो अच्छे से बना देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे मार्केट इस लेवल को मैं बताता हूँ, इस लेवल पे जब मार्केट एक हाई लगाया था तो मार्केट यहाँ से 3 महीने तक एक ना कंसोलिडेशन फेज में था, 3 महीने मार्केट इसी फेज में बिताया है ना। और फिर से जब ब्रेकआउट हुआ तो एक अपसाइड मोमेंटम आया, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ये जो हाई था तो भी एक यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम आया। अब देखोगे निफ्टी में इस तरीके से मार्केट देखना यार, अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो फिर उठेगा कैसे, है ना। अब देखो निफ्टी में, तो निफ्टी भी एक जोन में है, निफ्टी अभी भी यहाँ से जैसे ही हाई आया यहाँ पे अब टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया मार्केट। जब आप ये ब्रेक होगा ना ये लेवल एक वॉल्यूम के साथ, तो फिर से आप देखोगे आने वाले दिनों में क्या होगा, यहाँ से निफ्टी एक हाई लगाएगा 16,000 लेवल का, सब वेट कर रहे हैं अराउंड यहाँ पे 16,000 लेवल पे जाने के बाद निफ्टी फिर से टाइम बिताएगा, फिर से एक इस तरीके के फॉर्मेशन होगा, फिर एक ब्रेकआउट होगा। तो मार्केट यार ऐसा ही परफॉर्म करता है, ऐसे ही चलते आ रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना। बैंक निफ्टी में क्या सीनारियोज बन सकता है, तो देखो बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। अगर मैं नीचे के लेवल का बता देता हूँ, अगर कल को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इस लेवल का आपका टारगेट होगा नीचे की तरफ, विच इज़ अराउंड 33,333 रुपये, है ना, जो आने वाले दिनों में मिल सकता है आपको, है ना। बट अपसाइड मोमेंटम अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, तो एक 15 मिनट कैंडल ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस एक्शन के साथ, तो ही आप बाई करना निफ्टी बैंक में, ये सपोर्ट पे है। अगर आप दिखेगा ना मार्केट कि हाँ मार्केट एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप बाई कीजिएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप बाई कर लिए एंड विदाउट आपका कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको चांसेस दिक्कत हो जाएगा, ओके। सो गाइस बैंक निफ्टी में आप नीचे के लेवल पे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगा तो ही आप शॉर्ट कीजिएगा एंड आपका इमीडिएट टारगेट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपका इमीडिएट टारगेट इस लेवल का होगा, मे बी यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है बैंक निफ्टी, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। आपका नो ट्रेडिंग जोन मैं बना देता हूँ, इस लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा एक मोमेंटम के साथ तो ही एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है अराउंड दिस लेवल एंड ये उस दिन का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हो आप एंड उसके बाद ही एक बाइंग मोमेंटम आप इनिशिएट करना हो, राइट, एक बढ़िया स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री एग्जिट कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करता हूँ मैं, सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर, ओके। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जितने भी स्टॉक्स मैं बताऊंगा आप ध्यान से देखिएगा एंड ये बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं एंड अच्छा कंपनी है, राइट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड कंपनी में एक अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छा स्ट्रक्चर है मार्केट में, चार्ट पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो टाटा पावर देखो तो गाइज वन डे टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये अप ट्रेंड चल रहा है अभी। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि मार्केट में एक अब ट्रेंड में स्टॉक्स है तो ही मैं स्विंग ट्रेड के लिए बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा डाउन ट्रेड वाले स्टॉक्स को। एंड एक अच्छा बाइंग पोजीशन पे मिलेगा, एक अच्छे प्राइस लेवल पे मिलेगा तो ही बाई करूंगा। सपोर्ट पे मिल रहा है टाटा पावर, इसमें आप बाई इनिशिएट कर सकते हो, अपना एनालिसिस भी कीजिएगा, मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ओके। यहां से आपका छोटा स्टॉप लॉस है एंड अराउंड आपको इस लेवल का टारगेट है
1:2 का टारगेट मिल सकता है आपको आने वाले दिनों में टाटा पावर में। एंड यार ये सब स्टॉक्स ऐसा है ना कि अगर थोड़ा फॉल भी आता है ना तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो रेदर देन यू नो एग्जिटिंग द ट्रेड, है ना। तो टाटा पावर को आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है गाइज एस। एस देखो वन आ टाइम फ्रेम पे इसको इसमें फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मुझे, है ना। अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है इसमें एस में, एंड एक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। देर इज नो नीड टू से कि कैसी कंपनी, आप इसको टिकर टेप पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बढ़िया है एंड कंपनी में स्ट्रक्चर, या देखो मार्केट में ना चार्ट पे देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस में ओनली स्ट्रक्चर मैटर करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छे स्ट्रक्चर पे अगर आप अच्छे लेवल पे कोई स्टॉक दे रहा हूँ मैं आपको, तो इसको ध्यान से रखना है, आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है एंड अपने एनालिसिस के साथ इसमें बाई और सेल करना है। ओके, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये ईजी हो जाता है। जब मैं ट्रेड करता था कॉलेज के टाइम पे या फिर उसके बाद जब पता चला तो इतना कोई लोग बताने वाला नहीं था आपको यूट्यूब पे, राइट। अभी बहुत सारे यूजर्स, अच्छे अच्छे चैनल भी है यूट्यूब पे जहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज मिलता है। तो इस नॉलेज को लेना है आपको और एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना है यार। कमाने के बाद आप पैसे यू नो दारू सिगरेट ये सब चीज़ में मत खर्च करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दारू मत पियो, आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, बट जो आपका इन्वेस्टमेंट आपको जो आने वाले दिन में देगा ना पैसा रिटर्न, वो किसी भी चीज़ में नहीं है यार, ट्रस्ट मी, बैंक में तो नहीं है। तो इस चीज़ को देखो यार, एस में आप अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको एंड इसको आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल है यार, इस लेवल पे भी बाई करोगे, छोटा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट आने वाले दिनों में 8-10% का मिल सकता हो अपसाइड मोमेंटम। ओके, थर्ड स्टॉक इज प्राइकॉल लिमिटेड, PRICU। जो सारे स्टॉक्स का नाम आप देख लीजिएगा, है ना, प्राइकॉल लिमिटेड। देखो पढ़ते आ रहे हो बुक में, इजी है, हायर हाइज लोअर लोज, हायर हाइज लोअर लोज, मार्केट अप ट्रेंड में है, क्लियर दिख रहा है आपको। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा भी बहुत नॉलेज है सपोर्ट पे मिल रहा है इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, देखो आप देख लो बस, अच्छे लेवल में मिल रहा है। मैंने ये एनालिसिस किया, आप खुद का एनालिसिस करो और इसको जरूर ऐड कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। NITC यार सबका फेवरेट है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें एंड मैक्सिमम लोग मैसेज करते हैं मुझे, सर ITC कब बढ़ेगा। यार ITC जब बढ़ना होता मुझे पता होता तो नहीं बता देता मैं, बट चार्ट के हिसाब से आप बता सकते हो कि कब बढ़ेगा। तो चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे भी बताए थे अपने इंस्टाग्राम पे, जब ITC 201 रुपये पे था, कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रीवियसली ऐसा हो चुका है एंड ये ऐसा बिहेव करते आ रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, राइट, ये डिमांड जोन बन चुका है, क्लियर है, नो डाउट इन दिस, है ना। यहाँ से आया भी सेकेंड टाइम, फिफ्थ टाइम भी अपसाइड मोमेंटम, बहुत बार, 1, 2, 3, मोर देन 5 times, तो फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आया, फर्स्ट पुल बैक, इसको ब्रेक करेगा बाई कर सकते हो। आने वाले दिनों में फिर से ITC 220 पे जाएगा ही जाएगा, नो डाउट, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड द लास्ट स्टॉक इज गाइस लिखिता। ओके, तो लिखिता मेरा फेवरेट है, मेरे पोर्टफोलियो में है लिखिता, मैंने ऑलमोस्ट लिखिता को बाई किया था 361 रुपये पे एंड अभी भी इसमें अच्छा मुझे 2 से 3 हज़ार रुपया ही प्रॉफिट चल रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था अराउंड, मुझे पता नहीं है, मैंने ज़्यादा नहीं इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। ओके, मैं कुछ कुछ स्टॉक लेके 2-3 महीने बाद ही देखता हूँ, तो अच्छे लेवल पे मैंने भी बाई किया। तो अब देखो कि लिखिता में क्या मोमेंटम बन रहा है। एक चीज़ दिख रहा है आपको, लिखिता एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहाँ से ऑलमोस्ट 136 रुपये पर लिस्ट हुआ था लिखिता एंड 2-3-4 सालों में लिखिता ऑलमोस्ट 250% रिटर्न दे चुका है ना, अच्छी कंपनी है। तो सोचो इतना परसेंट रिटर्न आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलता है रदर देन स्टॉक मार्केट। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए एंड लिखिता पे बढ़िया स्ट्रक्चर है, लिखिता पे बाई शेड हो सकता है, बट स्विंग ट्रेड में मैं बताऊँ आपको, तो मैं अच्छे कंपनी में ना स्विंग ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। हाँ, ये मैं करता हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप भी करो, मैं अच्छे कंपनी में स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। स्विंग ट्रेड क्या होता है, जो नए यूजर्स हैं, सिंपली डिलीवरी में बाई करता हूँ, जब प्रॉफिट होता है तो ही बेचता हूँ, चाहे मुझे 2 महीना रुकना पड़े, 3 महीने रुकना पड़े। क्यों, क्योंकि मैं कंपनी देख के पैसे लगाता हूँ कि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी कल को थोड़ा गिरेगा, या गिरना उठना तो स्टॉक मार्केट का नेचर है ना, तो इसको भी आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको बहुत कुछ भी ज़्यादा लर्निंग इसमें मिला होगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सारे स्टॉक्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड गाइज, अगर किसी भी टॉपिक पे आपका वीडियो का डिमांड है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को शेयर करना है एंड इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा,
थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ईद टू एवरीवन आउट देयर. ऑलराइट, चलिए.